हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एन्यूप्लॉयडी के बारे में। एन्यूप्लॉयडी क्या होता है, एन्यूप्लॉयडी के मैकेनिज्म क्या है, एन्यूप्लॉयडी के टाइप्स कौन कौन से हैं और एन्यूप्लॉयडी के कारण कौन कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। एंड ऑफ द लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमोनिक बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जब हम एन्यूप्लॉयडी की बात करते हैं हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। एन्यूप्लॉयडी अकर्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम्स। अब यहां पे दो टर्म आ रहा है, एक तो नॉन डिसजंक्शन आ रहा है और दूसरा डिसजंक्शन आ रहा है। और अगर इस टर्म को हम समझ लेते हैं तो हम एन्यूप्लॉयडी को समझ लेंगे। तो इसको हम पहले समझते हैं। इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज कि हमारे पास फोर एप्पल्स हैं, राइट। अब इस फोर एप्पल्स को दो बच्चों में डिवाइड करना है, तो टू एप्पल्स एक बच्चे को जाएंगे एंड टू एप्पल्स दूसरे बच्चे को जाएंगे। अगर ये कंडीशन आता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन। यानी कि इक्वल डिवीजन हो रहा है, इस टर्म को हम बोलते हैं डिसजंक्शन। और अगर दूसरा केस में, अगर सपोज कि एक बच्चे को तीन एप्पल्स मिल रहे हैं और दूसरे बच्चे को केवल वन एप्पल मिल रहे हैं, तो ये क्या है, ये अनइक्वल डिवीजन है, अनइक्वल सेपरेशन है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन। सिंपली अगर हम बोलें तो नॉन डिसजंक्शन को हम बोलते हैं अनइक्वल डिवीजन या अनइक्वल सेपरेशन। जब हम एन्यूप्लॉयडी की बात करते हैं तो यहाँ पे अनइक्वल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर अनइक्वल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है तो क्या होगा, हम ह्यूमन का केस लेते हैं। ह्यूमन में हमें पता है कि 2n इज इक्वल टू क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अगर एन्यूप्लॉयडी होगा यानी कि नॉन डिसजंक्शन होगा, उसके कारण क्या हो सकता है, 2n प्लस माइनस 1 और फ्यू, या तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे या एक क्रोमोसोम घट जाएंगे, या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम घट जाएंगे। ये लीड करता है एन्यूप्लॉयडी को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2n प्लस 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। 2n माइनस 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 45 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो ये जो दोनों जो कंडीशन है, ये क्या है, एन्यूप्लॉयडी का कंडीशन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एन्यूप्लॉयडी कब होता है। एन्यूप्लॉयडी जनरली जब एक सेल, सपोज कि एक डिप्लॉयड सेल है और वो गैमिट बनाना है उसको, तो जब डिप्लॉयड सेल में गैमेट बनना है तो वो क्या करेगा, मियोसिस के थ्रू गैमेट बनाएगा। मियोसिस वन होगा एंड मियोसिस टू, ठीक है, उससे एक सेल से चार गैमेट बनेंगे। अगर 2n का सेल है तो उससे n गैमेट बनेंगे, जो उनका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, n होगा। लेकिन एन्यूप्लॉयडी के केस में क्या होता है कि एरर हो जाता है मियोसिस वन में या एरर होता है मियोसिस टू में। अगर इस दोनों कंडीशन में एरर होता है तो वो एन्यूप्लॉयडी कंडीशन कॉज करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल सेल में देखते हैं कि उसमें कैसे गैमेट बनता है, यानी कि एक डिप्लॉयड सेल ले रहे हैं और उसमें किस तरह से गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि एरर इन मियोसिस वन एंड देन एरर इन मियोसिस टू। यहाँ पे मैं एक सेल ले रहा हूँ जिसमें कि चार क्रोमोसोम हैं और चारों क्रोमोसोम क्या है, पेयर्ड में है। क्योंकि हमें पता है कि जब एक सेल डिवाइड करता है तो उसके हर क्रोमोसोम जो है उसका डुप्लीकेशन होता है एस फेज ऑफ सेल साइकिल में, तो इसलिए हमने चार क्रोमोसोम लिया है विथ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे सुविधा के लिए मैंने दो बड़ा लिया है और दो छोटा लिया है। जब ये
सेल मियोसिस वन में जाता है जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है, तो यहाँ से जो दो क्रोमोसोम एक सेल में चला जाएगा और दो क्रोमोसोम दूसरे सेल में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n से n हो जाएगा। अब इसमें मियोसिस टू में क्या होगा कि ये वाला सेल से दो गैमेट बनेंगे और ये वाले सेल से भी दो गैमेट बनेंगे और टोटल हमारे को चार गैमेट मिलेगा नॉर्मल केस में, ठीक है, और जिसमें कि सब कोई होंगे एन 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 एन, यानी कि 2n से हमने स्टार्ट किया और एन गैमेट मिला, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। एन्यूप्लॉयडी यानी कि नॉन डिसजंक्शन कब होता है, हमने बताया कि एरर इन मियोसिस वन या एरर इन मियोसिस टू, तो अगर एरर इन मियोसिस वन होता है यानी कि नॉन डिसजंक्शन अगर होता है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेपरेशन हो रहा है यहाँ पे दो दो, वो सेपरेशन इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा, तो उसी को हमने यहाँ पे दिखाया है। जैसे कि यहाँ पे दो दो हुआ था तो यहाँ पे एक सेल में तीन पेयर ऑफ क्रोमोसोम चला गया और दूसरे में केवल एक ही पेयर चला गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एन प्लस वन, क्योंकि दो के लिए हमने एन लिखा था प्लस एक एक्स्ट्रा है इसलिए एन प्लस वन लिखा, इसको यहाँ पे दो आना चाहिए था लेकिन एक ही आया था इसलिए हम इसको एन माइनस वन लिख रहे हैं। अब ये सेल जो है फिर मियोसिस टू में जाएगा और इससे दो गैमेट बनेंगे और इससे भी दो गैमेट बनेंगे, लेकिन जो चारों गैमेट बन रहे हैं वो नॉर्मल के केस से अलग है, यहाँ पे एन प्लस वन एन प्लस वन एन माइनस वन एन माइनस वन, यानी कि मियोसिस वन में अगर एरर आता है तो हमें चार गैमेट तो मिलेंगे लेकिन दो एन प्लस वन का मिलेंगे एंड दो एन माइनस वन के मिलेंगे। अगर एरर इन मियोसिस टू होता है यानी कि नॉन डिसजंक्शन मियोसिस टू में होता है, यानी कि मियोसिस वन नॉर्मल है, नॉन डिसजंक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है और केवल एक ही सेल में हो रहा है, यहाँ पे दो सेल दिखा रहे हैं, सपोज कि इस सेल में नॉन डिसजंक्शन होता है तो यहाँ पे क्या है, एक दो तीन चार क्रोमोसोम है, चार में से तीन एक में चला गया और एक केवल एक सिंगल क्रोमोसोम दूसरे में गया गैमेट में, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आना चाहिए था दो लेकिन यहाँ पे आ गया तीन, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे एन प्लस वन, यहाँ पे आना चाहिए था दो तो ये केवल एक ही आया तो इसको एन माइनस वन, और ये वाला जो है इस सेल में नॉर्मल एंड मियोसिस टू हो रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल गैमेट बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि एरर इन मियोसिस टू अगर होगा तो हमें चार गैमेट तो मिलेंगे लेकिन उसमें से पहला गैमेट एन प्लस वन होगा, दूसरा गैमेट एन माइनस वन एन, तीसरा एन, चौथा एन होगा। अब ये गैमेट्स बने हैं, इसी के बेस पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉयडी। सो टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉयडी, पहला जो इसमें है वो उसको हम बोलते हैं मोनोसोमी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n-1 से। ओके, अब ये समझ लो कि एक जायगोट है। अब जायगोट में क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, उससे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो ये जायगोट कैसे बना, जायगोट बना गैमेट के फ्यूज़न से, तो कौन कौन से गैमेट के फ्यूज़न से ये कंडीशन आया, एक तो गैमेट हमारा n-1 हो जाएगा और दूसरा गैमेट n होगा, तो इससे अगर फ्यूज़न होता है तो हमें मिलेगा 2n-1, ठीक है। n-1 देखिए गैमेट यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे ही बन रहा है, तो ये मोनोसोमी कंडीशन बोलते हैं। दूसरा ट्राइसोमी, ट्राइसोमी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 से। अब ये भी समझ लो कि जायगोट है, तो जायगोट में गैमेटिक फ्यूज़न से बना है ये, तो एक गैमेट जो यहाँ पे है वो एन प्लस वन एंड दूसरा नॉर्मल है, तो इससे हमें मिल गया 2n+1। थर्ड केस हम लेते हैं नल्लीसोमी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n-2। अब ये भी जायगोट है तो ये किस गैमेट के फ्यूज़न से बना है, एक n-1 एंड दूसरा वो भी n-1,
तो हमें मिल गया 2n-2। चौथा केस लेते हैं टेट्रासोमी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n+2 से, ये भी जायगोट है, तो इसका गैमेटिक फ्यूजन क्या होगा, n+1 and n+1, इससे हमें मिल जाएगा 2n+2। सो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स है एन्यूप्लॉयडी के। अब एन्यूप्लॉयडी के कारण क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ह्यूमंस में जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं ड्यू टू एन्यूप्लॉयडी वो हम देखते हैं यहाँ पे, और इसी के लिए हमने एक न्यूमोनिक बनाया है। सो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, सो एन्यूप्लॉयडी इन ऑटोसोम्स, अगर ऑटोसोम्स में एन्यूप्लॉयडी होता है तो उससे कौन कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। पहला जो हमने निमोनिक बनाया है, दिल पे एतवार कर, ये आपको याद रखना है, दिल पे एतवार कर, चार डिसऑर्डर्स हैं। पहला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है पटाऊ सिंड्रोम, थर्ड इज एडवर्ड सिंड्रोम एंड फोर्थ इज क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम। ओके, ये जो हैं ये एन्यूप्लॉयडी इन ऑटोसोम्स, लेकिन एन्यूप्लॉयडी इन एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम में भी होता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे सेक्स क्रोमोसोम में अगर एन्यूप्लॉयडी होता है तो कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, तो दो ही डिसऑर्डर आपको याद रखना है, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसमें आपको याद रखना है कि टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में होता है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो क्योंकि एन्यूप्लॉयडी ऑटोसोम्स में हो रहा है तो ऑटोसोम्स तो कॉमन होते हैं मेल और फीमेल के लिए, तो ये सारे डिसऑर्डर मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी कंडीशन है, 2n+1 का कंडीशन है, पटाओ सिंड्रोम भी 2n+1 का कंडीशन है, एडवर्ड सिंड्रोम भी 2n+1 का कंडीशन है, क्राइड्यूचेट जो है वो डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम के कारण होता है। जहाँ तक टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात है तो ये मोनोसोमिक कंडीशन है, 2n-1 का कंडीशन है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एन्यूप्लॉयडी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर किए एंड इसको सब्सक्राइब करें, आई मीन इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।